चीन ने एक नक्शा जारी किया है और उस नक्शे पर पूरे अरुणाचल प्रदेश को भारत से काटकर चीन का हिस्सा बताया है। अरुणाचल ही नहीं, भारत का हिस्सा अक्साई चिन भी चीन के इस नक्शे का ही हिस्सा है। चीन ने यह हरकत तब की है जब G20 की बैठक में शामिल होने के लिए शी जिनपिंग भारत आने वाले थे। ये देखिए, इसे तस्वीर देखिए जरा, ये अपने बॉडीगार्ड्स को तो अपने पीछे नहीं ला सकते, वो इनके साथ चलने के लिए पूरी तरह नाकाबिल है। हमारे अरुणाचल की तरफ देख रहे हैं। खैर, इससे ठीक पहले चीन ने विवादित नक्शा जारी करके भारत के साथ संबंधों को और खराब करने की कोशिश की है। कैसे, इसे समझने के लिए आपको नक्शे की विवादित बातें बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। चीन है कि मानता नहीं, चीन ने पूरे अरुणाचल और अक्साई चिन को अपना क्षेत्र बताया, भारत के हिस्से के अलावा ताइवान को भी अपने हिस्से में दिखाया है। इस नक्शे में 9 डैश लाइन पर भी दावा पेश किया गया है और इसी तरह से साउथ चाइना सी के एक बड़े हिस्से पर चीन ने दावा किया है। हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्या पता कल चीन बोल दे कि अमेरिका भी उसी का हिस्सा है। वैसे भी न्यूयॉर्क में आपने एक जमाने में अमेरिका के कुछ इलाकों में उनका पुलिस स्टेशन नामक कोई खबर तो सुनी होगी, लेकिन यह चीन है, यह कुछ भी कर सकता है, जो कि सब झूठ होता है। यह नक्शा चीन के मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ से जारी किया गया है, एक प्रोपोगंडा नक्शा है। TV9 भारतवर्ष के लिए हमारे देश का नक्शा सम्मान की बात है, इसीलिए हम चीन के नक्शे का खुलकर विरोध करते हैं। विरोध ही नहीं करते हैं, हम उसको तो मानते ही नहीं है। इट डजंट एग्जिस्ट फॉर अस। 24 अगस्त, जगह दक्षिण अफ्रीका, मौका ब्रिक्स सम्मेलन का, और इसकी साइडलाइन पर अप्रत्याशित मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की, जिसमें पीएम मोदी ने जिनपिंग के सामने LAC का मुद्दा उठाया। दोनों में अनसुलझे मुद्दों को लेकर बात हुई और बॉर्डर पर तनाव कम करने पर सहमति बनी। इट वॉज अ कॉन्वर्सेशन विद प्रेजिडेंट शी जिनपिंग, एंड एज़ आई सेड ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट, प्राइम मिनिस्टर हैड इंटरेक्शन विद अदर ब्रिक्स लीडर्स, एंड इन दैट कॉन्वर्सेशन विद प्रेजिडेंट शी जिनपिंग, प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड इंडियाज कंसर्न्स एट द अनरिजॉल्वड इश्यूज अलोंग द LAC इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज। इस मुलाकात और बातचीत के 4 दिन बाद क्या हुआ? तारीख 28 अगस्त, जगह चीन का झिजियांग प्रांत, मौका नेशनल मैपिंग अवेयरनेस वीक का, और इस मौके पर मौका परस्त जिनपिंग सरकार ने स्टैंडर्ड मैप का 2023 एडिशन लॉन्च किया। एक विवादित नक्शा जारी करके भारत के अरुणाचल राज्य को अपना क्षेत्र बताने की गुस्ताखी की, अक्साई चिन को अपना इलाका बताने की भूल की। वो अक्साई चिन जो भारत का अभिन्न अंग है, वो अक्साई चिन जिस पर 1962 की जंग से चीन का नापाक कब्जा है, वो अक्साई चिन जिसे आज नहीं तो कल चीन को छोड़ना होगा। वो पिछले 4000 साल पुराने निकाल लेगा मैप की, जी 4000 साल पहले जमीन हमारी थी। अरे भाई, 4000 पहले आप ना आप थे ना कुछ था, और उसके बाद में जब वो चाइना जिस हिसाब से जापान के अधीन रहा सारा, वो भूल जाता है फिर वो। और हिंदुस्तान के साथ उसका ये जो अक्साई चिन के साथ और ये जो अरुणाचल वगैरह के साथ इसका जो चल रहा है विवाद, वो सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि वो एक कॉरिडोर चाहता है वार्म वाटर पोर्ट की, वो बर्मा और उधर से होके ये वार्म वाटर पोर्ट दोनों तरफ से जो है उसको एंट्रेंस मिल जाए, ये उसकी आकांक्षा है, वो उसकी पूरी नहीं होगी। वो बीते जमाने की बात है जब चीन पर भारत आंख बंद करके भरोसा कर लेता था, लेकिन 2017 में डोकलाम और 2020 में गलवान चैप्टर के बाद सब कुछ बदल चुका है। इन दो बड़ी झड़पों के बाद जमीन से लेकर आसमान और महासागर तक चीन की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर है। चीन को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है।